सरकार के मंत्री सम्मानी गोपाल भार्गव जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे बुंदेलखंड के गौरव और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्मानी भूपेंद्र सिंह जी का, सम्मानी प्रदेश के महामंत्री माननीय बिहार सरकार के मंत्री सम्मानी गोपाल भार्गव जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे बुंदेलखंड के गौरव और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्मानी भूपेंद्र सिंह जी का, सम्मानी प्रदेश के महामंत्री माननीय प्रदेश के मंत्री सम्मानीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का और तमाम मंचासीन अतिथियों का और सामने बैठे हुए संभाग भर के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सबके प्रति हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद करता हूँ। धन्यवाद पार्टी। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद। श्री विजेंद्र प्रताप जी, जिलाध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी और उपस्थित विजय श्री प्राप्त होगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश नेतृत्व व्यक्त करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सीधे शैलेंद्र जी को, हमारे नगर के लोकप्रिय विधायक हमको आमंत्रण जमीन पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता के वो हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का मंत्री सम्मानी गोपाल भार्गव जी, प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता और दूसरे कैबिनेट मंत्री सम्मानी पवित्र धरती है। इस धरती ने राजमाता विजयराजे सिंधिया जैसा व्यक्तित्व ममतामयी माँ हमें दी है, जिनके शीतल आंचल की छाव में भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। ये वो धरती है जहां स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर जी, स्वर्गीय महेंद्र मलैया जी, स्वर्गीय रामेश्वर दुबे जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष राजा दुबे जी, ऐसे लोगों ने अपने परिश्रम से पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, तब जाकर इतने विराट रूप में आज पार्टी हमें दिखाई दे रही है। और सागर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे गर्व होता है जब कभी महाकौशल की धरती पर बैठकर कोई बुंदेलखंडी बोलने वाला मुझे मिलता है तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भैया हम भी उदयी के हैं। और यहां आके आप सबके बीच में कहने में गर्व है कि मैं भी उदयी का हूं। मेरे स्वर्गीय पूज्य परदादा श्री वासुदेव सिंह तंवर जी इसी सागर की पवित्र धरती पर थे। मेरी पूज्य दादी जी इसी सागर की पवित्र धरती के। मैं आज भी सागर जिले का ही किसान हूं और इसलिए मुझे गर्व है कि त्याग तपस्या और समर्पण की यह धरती हम कैसे भूल सकते हैं। स्वर्गीय गौर साहब पूरी दुनिया में एक मिसाल प्रस्तुत की है कि अपनी सारी संपत्ति लगाकर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिले, शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में सागर उभर कर सामने आए, पिछड़ी हुई जगह वहां विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। हम कैसे भूल सकते हैं लाखा बंजारा को, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब पानी का भीषण संकट यहां हुआ करता था तब तालाब का न सिर्फ निर्माण किया बल्कि अपने पूरे परिवार का भी बलिदान उसके लिए किया। ये ऐसे त्याग समर्पण की धरती है और ऐसे त्याग समर्पण और बलिदान की इस पवित्र धरती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं। लेकिन वो झूठ और फरेब को फैलाने में सफल नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर ऐसी कोशिश को, हर ऐसे झूठ को नाकाम करने में अपनी पूरी ताकत लगाएगा।
और इसीलिए नेतृत्व ने विश्वास किया है, ये अपेक्षा की है कि इस बार भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनना चाहिए, ताकि 2019 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जब हम आए तो एक बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतकर हम केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत वाली सरकार बनाए। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, एक गौरवशाली विरासत है। स्वर्गीय सज्जन कुशा भाऊ ठाकरे जी, स्वर्गीय नाना जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, राजमाता जी, सुंदरलाल पटवा जी, प्रदेश के कोने कोने में इनके परिश्रम की, इनकी पसीने की बूंदें जहां जहां भी पड़ी हैं, वहां वहां बहुत तेजी के साथ में कमल खिला है। और आज वो कमल पूरे प्रदेश में बहुत खूबसूरती के साथ खिला हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आवश्यकता है न सिर्फ उस स्थिति को बनाकर रखने की, बल्कि उसको और